नर्मदा का तट दीपों की रोशनी से जगमग हुआ। ये अद्भुत अद्वितीय नजारा दिखा ग्वारी घाट पर। दीपावली की पूर्व संध्या पर 55,000 दिए जले। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा के तट पर रोशनी के पर्व को मनाने पहुंचे। साधु संतों, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, हर कोई इस दीपोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नर्मदा आरती के साथ साथ ही पहली बार नर्मदा के 8 तट पर दीपावली के पूर्व संख्या पर जबलपुर दीपोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। नर्मदा का तट अयोध्या के सरयू नदी के तट की तरह रोशनी से नहाया रहा। हर किसी ने देश, शहर और समाज की समृद्धि के नाम पर दिया जलाकर मां नर्मदा को नमन किया। ग्वारी घाट से लेकर दरोगा घाट के बीच 55,000 दिए जलाए गए। 14 खंड में घाट को बांटकर दिए रखे गए। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु तैनात थे, जो नर्मदा आरती के बाद दिए जलाने में जुट गए। इस दौरान घाट पर पहुंचे शहरवासियों ने भी दीपक जलाया। घाट पर आकर्षक रंगोली बनाई गई थी। घाट पर अलग अलग अंदाज में रंग बिरंगी कलाकृतियां बनाकर खुशी मनाई। जबलपुर दीपोत्सव की शुरुआत में साधु संतों ने दिए सबसे पहले जलाए। महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद, दंडी स्वामी कलिकानंद सरस्वती, नृसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर नरसिंह दास, स्वामी गिरीशानंद सरस्वती, साध्वी विभानंद गिरी, साध्वी ज्ञानेश्वरी, स्वामी पगलानंद, पूज्य स्वामी रामदास, स्वामी डॉक्टर मुकुंद दास, स्वामी चैतन्यानंद, डॉक्टर राधे चैतन्य, स्वामी अशोकानंद, साध्वी संपूर्णा, साध्वी शिरोमणि, स्वामी राम भारती, संत केवलपुरी महाराज, स्वामी कालिकानंद, स्वामी राम शरण, रामकृष्ण दास महाराज, स्वामी त्रिलोक दास, नागा साधु श्याम दास महाराज, स्वामी रामचार्य महाराज, स्वामी राजेश दास, स्वामी मृत्युंजय दास, मौनी बाबा, साध्वी लक्ष्मीनंद सरस्वती, महंत प्रकाश नंद ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां नर्मदा की आरती, अष्टक के उपरांत शंखनाद के बाद स्वस्ति वाचन के साथ ही एक साथ दीप प्रज्वलित किए गए, जिसके उपरांत उपस्थित संतजनों का पूजन एवं स्वागत सांसद राकेश सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान कन्या पूजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक अशोक रोहाणी, अजय विश्नोई, सुशील तिवारी, इंदु नंदिनी मरावी, विनोद गोंटिया, डॉक्टर जितेन जामदार, जीप अध्यक्ष संतोष बरकड़े, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, जी एस ठाकुर, रानू तिवारी, शरद जैन, अंचल सोनकर, रजनीश यादव, भाजपा जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पार्षदों के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनपद नई गढ़ी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनीय जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी, आपका सुख ही हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प है। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाव विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति।